Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब लोग? तो सुबह से ऐसे ही बैठी थी, was a little lazy, तो कुछ कर नहीं पाई मैं. तो अभी नहाया मैंने, बहुत लेट हो गया आज नहाना. नहा के मैंने लगाया है अपने फेस पे एलोवेरा जेल, पतंजलि का एलोवेरा जेल, वो मिलता है वो वाला, एंड ये वाला मॉइस्चराइज़र, बायोटिक का मॉइस्चराइज़र. ये वाला कौन सा है? ये वाला है मॉर्निंग नेक्टर. एक्चुअली बहुत अच्छा है. मैं पहले निविया का यूज़ कर रही थी एंड दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट ये वाला भी अच्छा है. ये वाला ट्राई करने के लिए मैंने लिया था. ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इट्स नॉट बैड, इट्स एक्चुअली गुड. तो ये सारे स्किन टाइप के लिए आ जाएगा. तो मुझे बहुत लोग कुछ पूछ रहे थे मॉइस्चराइज़र के बारे में, तो ये वाला मॉइस्चराइज़र आप प्रिफर कर सकते हो. ये बहुत अच्छा है, बहुत ही थिक भी है एंड अच्छे से बैठ जाता है, अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है आपके चेहरे पे. सारे डार्क सर्कल्स हो गए हैं. उसके बाद मैंने यूज़ किया ये वाला सनस्क्रीन. ये है SPF 50 का, नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए आराम से चल जाएगा. तो ये सब यूज़ किया है मैंने एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा लूज पाउडर लगाया है ये वाला, क्योंकि मैं यूजुअली बेबी पाउडर ही लगाती हूँ, क्योंकि मेरा स्किन थोड़ा सा सेंसिटिव है. तो आई प्रेफर यूजिंग दैट पाउडर. मैं कोई पॉन्स वो ये जो यूजुअली मार्केट में अवेलेबल है बड़ों के लिए, वो वाला मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरा स्किन बहुत ही सेंसिटिव है. आई डोंट वांट टू, यू नो, ये नहीं करना चाहती हूँ मैं. उसके बाद एक्चुअली मेरा थंबनेल देख के तो आपको पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करना चाहती हूँ आज. यस, अभी एक्चुअली ट्रेंड चल रहा है. सॉरी मैं नीचे बैठी हूँ, क्योंकि हर तरफ अपने घर में ऑक्यूपाइड रहता है. एवरीवेयर बाहर मॉम डैड है, यहाँ मेरी बेटी सोई है, वहाँ एक और बेडरूम है जहाँ मेरी अज्जी सोई है, इसीलिए यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ. तो वही अभी YouTube पे जहाँ देखो वहाँ ऐसे यही ट्रेंड चल रहा है कि वर्स्ट रिव्यू, आई वेंट टू द वर्स्ट रिव्यू मेकअप आर्टिस्ट और समथिंग. या बहुत एक्चुअली देखने के बाद अजीब लगा, हंसी भी आती है कुछ वीडियोस को देख के. अजीब अजीब तरह के शक्लें, अजीब अजीब तरह के कुछ यू नो वॉइस वगैरह डालते हैं, अच्छा करते हैं, नॉट बैड, बट थिंग इज दैट आपको क्या लगता है, ये सही है करना? मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि आई एम नॉट लाइक दैट. ऐसे किसी का डिफेम करके या किसी के पास जाके उनके स्किल्स के बारे में ऐसे बोलना मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है. एंड देयर आर पीपल हु आर वॉचिंग सच वीडियोज, इसीलिए वो ट्रेंडिंग में आ रहा है. तो ऐसे वीडियोज इतने ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ जाते हैं क्योंकि हम लोग वॉच करते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा. एंड मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा भी है कि वो लोग ऐसे वीडियोज बनाते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स को देखा है जो कमेंट करते हैं कि ऐसे यू नो ऐसे वीडियोज बनाने के लिए. आई ऑल्सो हैव फ्यू सब्सक्राइबर्स who wanted me to, you know, do such videos. But मैंने एक बार, to be frank, एक बार सोचा भी था कि जाके वो ऐसे वाला videos बनाऊँ, क्योंकि मैं नई यूट्यूबर हूँ. आई डोंट हैव मैनी सब्सक्राइबर्स, आई डोंट हैव मच व्यूज, मैनी व्यूज. तो ये वाला तो अगर मैं बनाऊँगी तो एटलीस्ट कुछ फ़ायदा तो मेरे लिए ही होगा. तो बट बाद में सोचा कि नहीं यार, ऐसे करके व्यूज़ वगैरह पाना, ऐसे करके सब्सक्राइबर्स पाना इज़ नॉट गुड. अच्छा अच्छा काम करते हैं, क्योंकि YouTube में आने का मतलब वही है, यूट्यूबर्स का वही ये रहता है, अच्छे यूट्यूबर्स का वही एक यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो अच्छा अच्छा कंटेंट दिखाए. अगर आप कॉमेडी वाला वीडियोस वगैरह बना रहे हो तो बना सकते हो, उसकी दूसरी कैटेगरी ही होगी, जहाँ जिसको भी ना आप जिसके इमेज ना हार्म करो, कहीं भी यू नो उनका डिफेम मत करो. वैसे वाले कॉमेडी वीडियोस बना लो आप, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है. बट किसी का स्किल्स के बारे में आप बनाते हो, कहीं पार्लर में जाते हो, छोटे छोटे पार्लर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? अगर आप मैंने बहुत सारे वीडियोस में ऐसा देखा है कि वो लोग आई मेकअप या कुछ मेकअप ऐसा वाला दिखाते हैं जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स मेकअप आर्टिस्ट करते हैं, जो दे वो
कम से कम 10,000 तो चार्ज करेंगे ही करेंगे, और यहाँ वो दे रहे हैं 500 और 1,000। 500 और 1,000 में मिलेगा कितना अर्न, एंड कैसे वाले एड्रेस मिलेंगे आपको? एंड मैं ये गलत नहीं बता रही हूँ कि अपने जो विचार हैं, अपने जो व्यूज़ हैं वो रखना गलत है, फ्रीडम है, बट अच्छे से यूज़ करना चाहिए। एंड बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहती हूँ, वो लोग भी अगर थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होते, थोड़ा सा वो अगर यू नो थोड़ा सा सेंसिबल होते तो वैसे वाले वीडियोस नहीं बनाते। वो ऐसे आए दिन एक ना एक या 10-20 वीडियोस ऐसे आते ही रहते हैं रिकमेंडेशन में, तो लगा कि क्या आपके साथ बात करना चाहिए। एंड बहुत दिन हो गए बात ही नहीं किया, ब्लॉग नहीं बनाया था, सुबह से वही चल रहा था कि एक वीडियो बनाया, कल वीडियो बनाया थे मैंने, तो उसका एडिटिंग आज किया मैंने, आज एडिटिंग करके मैंने पब्लिश कर दिया था सुबह। हाँ तो अभी टाइम मिला नहा धो के, मेरी बेटी सो गई है, जब वो जगती है, जगी रहती है तो मुझे काम करने नहीं देती है, बिकॉज शी इज़ वेरी स्मॉल, 1.5 ईयर ओल्ड की है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट खाना हो गया है मेरा सब कुछ। आप कैसे हो आप बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि आपको क्या लगता है मैं जो बता रही हूँ गलत है या सही है, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो अब गंदे गंदे कमेंट्स भी देंगे अभी मुझे नीचे अपने कमेंट्स में। गालियाँ मत दीजिए प्लीज़, क्योंकि ये मेरे विचार हैं, मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ। अगर आपको देखना है देखिए, अगर नहीं देखना है तो अभी एग्जिट कर सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो प्लीज़ नेगेटिविटी हम स्प्रेड नहीं करते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स शेयर करते हैं, अच्छी अच्छी बातें शेयर करेंगे ऐसे। एंड कुछ प्रोडक्ट्स आए हैं उसके भी मुझे रिव्यूज़ करने हैं, मैं उसके रिव्यूज़ करूँ। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए हैं, वो भी उसका भी वेट कर रही हूँ। तो मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अच्छे अच्छे वीडियोज़ अच्छे खासे वीडियोस आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल में, आप एक बार देख लीजिए मेरे वीडियो डेटाबेस को। देखने के बाद अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर नहीं पसंद आया तो आपकी मर्ज़ी। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। एक एक सब्सक्राइबर का आप मुझे अपने व्यूज़ भी बता सकते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपको कैसे कैसे वीडियोस चाहिए वो भी बता सकते हो। फाइन, वही मैं बात शेयर करना चाहती थी कि ऐसे जो ट्रेंडिंग में है उसके पीछे आप उसके पीछे लोग इतने पागल हो गए हैं, लोगों को ऐसे डिफेम करते हैं। छोटे छोटे शहरों में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि लोग अच्छा से अच्छा मेकअप करें, वो कहीं बॉलीवुड या हॉलीवुड स्टार का अच्छा वाला जो यू नो आई लुक हो या मेकअप लुक हो या ब्राइडल लुक हो वो लेके जाते हैं, उनको बोलते हैं कि ऐसा वाला लुक क्रिएट करो। ऐसे हो नहीं सकता क्योंकि वो छोटे छोटे हैं, वो छोटे पार्लर चलाते हैं, छोटे शहर में हैं, उनको उतना उनको उतना स्कोप नहीं मिला होगा कि वो अच्छे से सीख सके वो स्किल। मे बी वो दूसरे काम में अच्छे होंगे, मे बी वो थ्रेडिंग अच्छा करते होंगे, मे बी वो फेशियल अच्छा करते होंगे, मे बी वो दूसरा जो भी ब्यूटी रिलेटेड थिंग्स है वो अच्छा करते होंगे। तो उनको ऐसा बताने में कुछ मुझे कुछ मतलब नहीं बनता यार, सीरियसली। तो इतना था मुझे, बस मैं बाद में मैं कल फिर से वीडियोस वगैरह अपलोड करूँगी, आप बता सकते हो मुझे कौन से वीडियोस अपलोड करने हैं आप जो ऐसे करोगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, एंड आपके व्यूज़ शेयर कीजिए मेरे साथ, मैं गलत हूँ या सही हूँ, क्योंकि मेरे विचार ऐसे हैं तो आपके विचार कैसे हैं वो आप शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।